उससे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। आपको बता दें, मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है, क्योंकि लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय ने एसटीएफ को दिए हैं जांच के आदेश। अब इस पूरे मामले में एसटीएफ जांच करेगी, एसटीएफ करेगी अब शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने एसटीएफ को दिए हैं जांच के आदेश। लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और जो इसका टॉपर था उसको कक्षा 5 के भी सवाल नहीं आते थे। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि कितना बड़ा ये घोटाला है। लगातार नई नई चीजें इस घोटाले को लेकर सामने आती चली जा रही है, और अब एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी है। अब एसटीएफ इसकी जांच करेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी मुख्यालय ने एसटीएफ को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पूरी गुत्थी में लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, कई सारी चीजें सामने आती चली जा रही हैं, और इसके तार कहां तक गए हैं इसकी बात कभी अभी पता नहीं चल पाया। लगातार बड़े बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय ने एसटीएफ को अब जांच के आदेश दे दिए हैं। अब एसटीएफ जांच करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का यह पूरा मामला है, और अब एसटीएफ इसकी जांच करेगी। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको